संत जगदीश मुनि जी द्वारा न्यूरोहिलिक सिस्टम के अधीन जो थेरेपी दी जा रही है बड़े अजे बेइलाज बीमारियों का इलाज बेइलाज जिहड़े सिस्टम साढ़े पैरों का हत्थों का गोडियां का पेट का ये बीमारियों का कितने इलाज नहीं सी संत जी दे एक चुंबकमई स्पर्श के नाल वो ठीक हो रहे थे। लगभग 6000 के करीब बुढ़लाडा के कैंप लगे है वो संतों तो अपनी राहत शरीरक राहत ले चुके ने। सानू बड़ा गर्व है बड़ा माण है बुढ़लाडा के इस विच कि साडे पहले बारी संत जगदीश मुनि जी इतने पधारे और कैंप लाया था। रोजा अज उसका समाप्ति दिवस है। सानू इस तरह लगे कि मेले वर्गा माहौल बनया हुआ सी। असी बड़े अज इस तरह लगेगा कॉलेज के विच कल तो जिवें कॉलेज खाली जिहा कॉलेज हो गया। सो एक तरह का लोग दुखी लोग आते हसते सौते जाते। सो मैं समझता कि सानू जी पुराना सिस्टम सी पुरानी थेरेपियां सी रवायती थेरेपियां उन्हें छड़ के कुदरत पक्षी रवायतियां जी ने अपनानी चाहिए ने ता जो असी अपना क्योंकि साडा शरीर कुदरत ने बनाया जिही जी चीज़ कोई पैदा की है उहे जी उह सिस्टम जे लागू होगा ता जाके ते उह सिस्टम ठीक चलूगा। सो इस करके अज तुसीं देखो पहला असी हरी क्रांति लियांदी रेहां स्प्रेयां पाईआं धरती पानी हवा दूषित करता। अज दुबारा फिर लोग चाहते हैं कि असी कुदरत वल मुड़ीए। अज फिर असी धरती दा हेठला पानी नूं बहुत 400 फुट चला गया जिहड़ा कि 20-30 फुट ते सीगा। अज असी कुदरत नाल एक तरह का आडा ला लिया दुश्मनी पा ली जिहदे करके साडा बहुत नुकसान हो रहा जिस करके बड़ी बड़ी बीमारियां जनेपे च पैदा हो रही ने। बच्चों के जो लत्तां ने वो टेढ़ियां हो रही ने। बच्चों के अखां नक हथ टेढ़े हो रहे हैं। सो संत जी ने अपनी न्यूरो हीलिंग थेरेपी के नाल अज सैकड़े नहीं लखां लोगों का इलाज कराया। मैं खुद कि आप मेरे परिवार ने मेरी घरवाली ने गोडिया के बहुत दर्द तो पीड़ित सी। मेरे बच्चा स्पाइन की जी है दर्द हो रहा होंगे रहा एक्सीडेंट ठीक रहा थेरेपी मेरे परिवार ने भी ली है बाकी लोग भी आते। सो काफ़ी दूरों दूरों साडे बुढ़लाडे दे विच एक नाम चमकाता संत जी ने भी बुढ़लाडा भी कितने कोई स्टेशन हैगा। सो सानू बड़ा माण है अज इन्हां दे 10 बजे कैंप लाया। असीं दोबारा फिर सारे टिक्कू जी साढ़े जी आई एम टी के संस्थापक नवीन जी इन्हां सारे का बड़ा योगदान रहा है। सो मैं एक बार फिर संतां जी नूं चरणा में कोटि कोटि प्रणाम करता कि तुहाडे वर्गे मनुखता सेवा करने लई संत जी है ने तो संसार तां ही जिउंदा है। ये साढ़े धौले बल्द ने जिन्हां संसार जिन्होंने जिन्होंने धरती रूपी संसार में चुकया होया जिहे जे संत ने तां ही संसार जिउंदा है। सो इस करके अज दा जिहड़ा कैंप है बड़ा सफल कैंप रहा है और हजारां लोगों ने इत्थों अपनी हीलिंग लैके हीलिंग टच लैके स्पिरिचुअल टच लैके अपनी जिहड़ी दुख है उह तों निजात पाया। सो मैं संतां जी दा बहुत धन्यवाद करता और प्रबंधकों का खास तौर धन्यवाद कर जिन्होंने संतों साढ़े सरमुख लिया के दर्शन करवाए ने बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सत श्री अकाल। अज बुढ़लाडा विखे जी आई एम टी कॉलेज 481वां न्यूरो हीलिंग सिस्टम जो है कैंप लाया गया। 15 मई तो लैके 25 मई तक यह कैंप चलिया और इस कैंप के पूरे देश के और विदेशों के भी कई पेशेंट जोड़े ने पहुँचे और उन्होंने इस कुदरती इलाज राही अपना इलाज करवाया और ज़्यादातर बच्चे से वो सीपी रोग के बच्चे काफ़ी पहुँचे। सीपी का मतलब सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी फैली हुई है जिदे की होंगे कि बच्चा चल फिर नहीं सकता उठ बैठ नहीं सकता उन्होंने किसी तरह की सुध बुध नहीं होंगी माइंड और बॉडी दोनों आपस के डिसऑर्डर होंगे। तो उन्होंने बच्चों ने काफ़ी इस थेरेपी लैके काफ़ी फायदा लिया और तकरीबन 3-4 बच्चे जोड़े से वो इस कैंप के ही चलन लग गए। बड़ी सब तो बड़ी खुशी की गल है क्योंकि किसी भी मेडिकल साइंस के इलाज नहीं है ये सिर्फ स्पिरिचुअल कुदरत और कुदरती इलाज के ये चीज़ा संभव होंदिया ने और सानू इस गल की बहुत बड़ी खुशी भी हुई कि इतने इस कैंप के इस इलाके के बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल बुधराम जी MLA साहब भी पहुँचे उन्होंने अपना भी इलाज लिया और टैक्निकली तौर पर उन्होंने इस गल नूं समझिया वधिया तरीके नाल और उन्होंने फैमिली मैंबर भी आए। ये इस कैंप का जो आयोजन किया गया वो साढ़े
बहुत ही प्यार है मेरा उस बच्चे दे नाल, रविंदर कुमार टिंकू ठेकेदार जी, और साढ़े कोल फाजिलका भी आते रहते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे का इलाज चलता है और वो बच्चा भी काफ़ी हद तक ठीक है और मैं उम्मीद है कि एक दो कैंपा बाद बच्चा हुण आपकी स्टैंडिंग लैन लग गया, खड़ा होने लग गया, हुण तुरन भी लग जाएगा। तो ये सब तो वड्डी खुशी की गल हुंदी है माँ बाप वास्ते कि एक बच्चा जो चल फिर नहीं सकता उन्हों लाइफ टाइम चकना बड़ी बहुत वड्डा बोझ हुंदा है और वो बच्चा हुण स्टैंड होने लग गया और हौली हौली मैं लगता है कि एक दो कैंपा बाद चलन लग जाएगा। और एडा वड्डा जिहड़ा है इहदे वल्लों परोपकार कराया गया क्योंकि ये जिहड़ी सेवा हुंदी है पुन्न हुंदा है क्योंकि इलाज तो वड्डी कोई दुनिया सेवा नहीं है। जो आप इलाज वर्गी सेवा कराते हैं तो आपूँ बच्चों का उन्हों रोगियों दुआवं भी मिलती ने और उन्होंने दुआवों के नाल जो है साढ़े परिवार और पूरे इलाके के उत्ते उन्होंने पॉजिटिव तरंगा का असर पैदा है और असी भी ये उम्मीद करते हैं, कोशिश करते हैं और एक अरदास भी करते हैं परमात्मा अगे कि जिस भी इलाके कैंप लगता है या सेवा होंगी है तो उस इलाके परमात्मा इस तरह के बच्चों जोड़ा है बच्चे ना हो वधिया स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे हो कि चंगा समाज और चंगी जी है सोसाइटी होवे जिदे नाल जोड़ा है चंगा जोड़ा है क्योंकि चंगे देश और चंगे समाज की सिर्जना फिर ही हो सकती है। इस दे नाल नाल GIMT कॉलेज के जोड़े प्रबंधक से डॉक्टर नवीन सिंगला जी और उन्होंने पूरी फैमिली और उन्होंने पूरा स्टाफ उन्होंने बड़े बड़ा बड़ा सहयोग करके वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा है इस कैंप दे विच साडी जिहड़ी है वो हैल्प कीती, सहयोग कीता हर पक्षों। इहदे नाल नाल जिहड़ियां बाहरों संगतां आईयां सी उन्हां संगतां वास्ते लंगर दा, पाणी दा, चाह दा, क्योंकि बाहरों बंदा आउंदा है और वो अपना दुख लैके आउंदा है, जदों उहदी कोई भी हैल्प करदा है जां सेवा करदा है तां उहदे दिल दे विच इक प्यार और एक आशीर्वाद की भावना पैदा होती है। तो उस तरह की भावना जी है संगतों के वधिया सारे ने मतलब इस चीज़ का सानू बहुत सारिया संगत ने दसिया कि बुढ़लाडा वर्गा जोड़ा है कैंप असी किसी कित नहीं देखा और इतने बड़ी साड़ी वधिया तरीके सेवा की गई। ये होर भी जड़िया शहर दिया संस्थावान ने जिमें शिव शक्ति भवन है उन्होंने वालों रहन का बड़ा वधिया उपराला, साडा भी बड़ा वधिया उपराला किया गया, वधिया AC रूम वगैरह असी तो हालांकि यूज नहीं करते लेकिन फिर भी उन्होंने आपका प्यार सत्कार सानू दिता, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। ये शिव मंदिर जो गौशाला के सामने है उन्होंने प्रधान जी वालों भी संगत के वास्ते लंगर का, ठहरन का और बहुत वधिया इंतजाम किया गया। असी सारे ही शहर के जिन्हें भी निवासी ने उन्होंने आशीर्वाद दें कि सदा स्वस्थ रहो तो खुश रहो। और इस दे नाल नाल साडा जो मीडिया है सोशल मीडिया जिन्होंने इस कैंप की बहुत वधिया तरीके नाल कवरेज करके आम लोगों तक, गरीब लोगों तक जिहड़े कि वड्डे वड्डे इलाजों नूं नहीं लै सकते उन्हां तक ये पहुँच की, सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कुदरती इलाज नूं समझ के साडे कोल इत्थे कई पत्रकार साहिबान भी आते रहे, वह भी इलाज कराते रहे और उन्होंने इस इलाज को समझ के बहुत वधिया तरीके कवरेज की, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। अखीर दे विच सारे प्रबंधकों का और साडे कोल पहुँचे बहुत ही सत्कारयोग MLA साहब प्रिंसीपल बुद्धराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अपना कीमती समा कट के इतने पहुँचे और उन्होंने इलाज को समझिया। असी उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है कि इस कुदरती इलाज को आप सरकार वालों मानता दवा के आने वाले समय के नौजवान बच्चों यदि सिखलाई देवे ता कि नौजवान बच्चे सीख के इस कुदरती इलाज वाल जुड़न और नशे वाले पास्यों बचन क्योंकि चंगी सोबत मिलेगी, चंगी सोसायटी मिलेगी तो साडे नौजवान पीढ़ी जिहड़ी है वह वधिया तरीके इस तरह के कुदरती इलाज सीख के बिना दवाई बिना ऑपरेशन जिहड़ा है लोगों का भला कर सकेगी।